दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के भ्रष्टाधिकारी अपर निदेशक नवलेंद्र कुमार सिंह की शरण में लालची ठेकेदारों ने अपनी और डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों की जेब भरने के लिए 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को 16 अक्टूबर 2023 को आज कच्चा सूजी का हलवा बनाकर के हर एरिया में खिलाया है। आज मानव अधिकार सेना मीडिया को मिली हुई कंप्लेंट के अनुसार बलबीर नगर मजदूर कॉलोनी राहुल गली बाबरपुर जगतपुरी मंडोली रोड एरिया में निरीक्षण किया है। लोगों ने आंगनबाड़ी से मिला खाना मीडिया को दिखाया। लोगों ने बताया टाइम पर आंगनबाड़ियों में पोषाहार नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी का खाना बदल गया लेकिन अभी भी भ्रष्ट अधिकारियों की जेब अभी भी पूरी नहीं भरी। गर्भवती महिला और 7 महीने से 3 साल तक बच्चा का पोषाहार महीने में 2 बार देने वाला खाना भी 1 बार दे करके सुपरवाइजर जबरदस्ती हेल्पर के ऊपर डंडा दे करके खाने के बारे में अपना रजिस्टर में चढ़ा रहे हैं। इस एरिया में पोषाहार देने वाला SNP भारतीय मानव कल्याण परिषद है। आज बच्चों को देने वाला खाना काला चना और सूजी का हलवा थे। किसी भी आंगनबाड़ियों में खाना पूरा नहीं आया। आंगनबाड़ियों में मेनू चेंज हो गया लेकिन ठेकेदार अभी तक खाना देने को तैयार नहीं है। दिल्ली महिला बाल विभाग भ्रष्टाधिकारी अपर निदेशक नवलेंद्र कुमार सिंह की शरण में ठेकेदार अपनी मनमर्जी का खाना बच्चों को बांट के बच्चों के पेट में लात मार रहे हैं। ऐसे कच्ची सूजी का हलवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने की जगह खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है। हमारी टीम की आपसे मांग है कि जो बच्चे और महिलाएं पूरी दिल्ली में आज भूखे पेट सोएंगे, ऐसा कृतज्ञ अपराध करने वाले ठेकेदारों और दिल्ली सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से उन लोगों को सस्पेंड किया जाए।